करीब 12 तारीख सोमवार को यहाँ एडमिट हुआ था स्टर्लिंग हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने सलाह दी और इनके 2 दिन के देखरेख में रहा और फिर 3रे दिन इन्होंने मेरे ओपीटी ऑपरेशन कर दिया। एक दिन वहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा और फिर वापस वार्ड में शिफ्ट कर दिया। या नर्सिंग स्टाफ वगैरह बराबर टाइम से टाइम आता, डॉक्टर भी बराबर टाइम से टाइम आते देखते, और खाना भी यहाँ पर मुझे उस हिसाब से सही मिल रहा था। यहाँ मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। इनको बेसिकली प्रोस्टेट की जो ग्रंथि होती है, जो पुरुषों में पाई जाती है, उसके अंदर कैंसर की गठान थी। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में होने वाले कैंसर्स में काफ़ी कॉमन कैंसर है एंड ये काफ़ी एजेड लोगों में ही जनरली पाया जाता है। नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर को लेके जैसे इन पेशेंट में इनको जैसे भ्रम था, काफ़ी सारी भ्रम रहते हैं कि सर्जरी अगर कराएंगे तो काफ़ी तकलीफ़ होगी, पेशाब करने में तकलीफ़ आएगा, सर्जरी में काफ़ी पेन हो सकता है, ओल्ड एज में रिकवरी नहीं हो पाएगी। एंड इसी चक्कर में इन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने पोस्टपोन कर दिया था और ट्रीटमेंट कोई कराया ही नहीं था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो टेक्निकल एडवांसमेंट हुए हैं, रोबोटिक सर्जरी जिसके थ्रू हम ये सर्जरी करते हैं प्रोस्टेट कैंसर की, उसके थ्रू ये सर्जरी बहुत ही आराम से की जा सकती है, जिसमें हार्डली कोई ब्लड लॉस होता है, ना ही कोई रिकवरी में टाइम लगता है, ना ही कोई बड़ा चीरा आता है, 4 छोटे से छेद होते हैं एंड उसके थ्रू हमें पूरी सर्जरी को अंजाम दे सकते हैं। जो पहले सर्जरीज होती थी, जो ओपन सर्जरी की तरीके से जो चीरा दे के जो सर्जरी की जाती थी, उसमें काफ़ी बड़ा चीरा आता था एंड जैसे कि ओल्ड एज पेशेंट होते हैं एंड अगर चीरा देते हैं तो रिकवरी में तकलीफ होती थी। एंड दूसरा, ओपन सर्जरी के अंदर जो पेशाब का जो कंट्रोल के लिए जो स्फिंक्टर्स वगैरह को बचाने में भी और वो नर्व्स को बचाने में प्रॉब्लम आते थे, जो इतने अच्छे से हम देख नहीं सकते उसको, तो वहाँ पर रोबोटिक सर्जरी के थ्रू ये सारे एडवांटेजेस मिलते हैं कि ब्लड लॉस हार्डली कुछ होता है, ब्लड लॉस नहीं होता था इसलिए नर्व्स को बचाना भी आसान हो जाता है, जिसके कारण स्फिंक्टर्स का जो फंक्शन एंड जो स्फिंक्टर्स का जो आउटकम जो लॉन्ग टर्म में कि पेशाब का कंट्रोल वो जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेटर रहता है। तो इसीलिए रोबोटिक सर्जरी के कारण आज प्रोस्टेट सर्जरी पहले की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा सेफ है एंड इसलिए डरिए मत प्रोस्टेट सर्जरी करवाने से। एंड अगर कोई भी आपको गलत फहमी हो इसके लिए तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर डिस्कस करें। ये मेरे हिसाब से ये स्टर्लिंग हॉस्पिटल सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है और मेरे बिना किसी तकलीफ से मुझे ये सर्जरी हो गई। आज 4 दिन बाद वापस मुझे छुट्टी मिल रही है, मैं जा रहा हूँ। इन पेशेंट की जैसे हमने सर्जरी करी और आज आप देख सकते हैं 4 दिन के अंदर ही पूरी तरह स्वस्थ होकर घर जाने के लिए एकदम डिस्चार्ज होने के लिए एकदम रेडी हैं। तो ये जो भ्रांति है या ये जो भ्रम है कि सर्जरी कराने में तकलीफ होगी, ये बिल्कुल गैर मान्य है। एंड आज जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि रोबोटिक सर्जरी, उसके थ्रू हम बड़े से बड़े जो बीमारी के अंदर काफ़ी अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत और डट कर कैंसर का मुकाबला करिए। इस काम के लिए डॉक्टर नितिन सिंगल साहब और यहाँ का जो स्टाफ है स्टर्लिंग हॉस्पिटल, उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।